गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, यानी इसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का काम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ। ठीक है, अब अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन जो होगा, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का जब पोजीशन पता करना हो, यानी उस पॉइंट का पोजीशन क्या है एक्स वाई प्लेन पे, तो हम कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से ही पता चल पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है ए कॉमा बी। ठीक, तो ये ओरिजिन से, या मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बराबर दे देते हैं 2 और बी के जगह पर दे देते हैं 3, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 3। तो ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 1, 2 मान लेते हैं ये 3 है। तो इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस चला गया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है 3 है। ठीक, तो हमारा ये जो पॉइंट होगा वो यही हो जाएगा 2, 3, यानी अब हमें पता चल गया कि पी पॉइंट का पोजीशन क्या है एक्स वाई प्लेन पे। तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस चलेगा एक्स एक्सिस के तरफ और 3 डिस्टेंस चलेगा वाई एक्सिस के तरफ, यानी हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। यानी एक्स वाई प्लेन पे अगर किसी भी पॉइंट का एग्जैक्टली पोजीशन पता करना हो तो वो किसके माध्यम से पता चल पाएगा, कोऑर्डिनेट के माध्यम से। ठीक है, यहां पे जो 2 है इस 2 को हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे जो 3 है इस 3 को हम बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसी का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ओरिजिन से वाई एक्सिस के तरफ चला हुआ दूरी है उसे हम क्या कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद एक पॉइंट आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है, अगर इसके निगेटिव डायरेक्शन पे जाएंगे तो इसे माइनस एक्स कह सकते हैं और इसे माइनस वाई कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के जो निगेटिव डायरेक्शन पे अगर बात किया जाए तो ये माइनस एक्स, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पे माइनस वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस कॉमा प्लस रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमा प्लस, ये है माइनस माइनस और ये है प्लस माइनस। अब हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है वाई पे, तो इसे हम ओरिजिन कहेंगे और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस is called as origin, इसे हम क्या कहते हैं origin कहते हैं। और origin का जो coordinate होता है वो 0, 0 होता है, क्यों, क्योंकि यहां से x axis का distance और y axis का distance बिल्कुल 0 होगा। लिख सकते हैं the coordinate of origin is 0, 0, यानी कोऑर्डिनेट जो होगा ओरिजिन का वो हो जाएगा 0, 0। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात बता देते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली 10th क्लास में भी था। अगर मान लेते हैं कि ए नाम का कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x1, y1 और बी नाम का कोई दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2, तब जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा वो हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मेरा मर्जी हो तो हम x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो अगर हम निगेटिव टर्म को कॉमन लेकर के स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ए पॉइंट का दिया हुआ 3, 5 और कोई बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -2, 6। ठीक, अब हमें निकालना है ए बी के बीच का दूरी। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 - ये हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर + 5 - 6 का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर 3 + 2 क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 - 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमारे पास आंसर क्या है अंडर रूट 26 यानी रूट अंडर 26 ये डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है इसके बारे में बात कर ले। सेक्शन फॉर्मूला में कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है जैसे ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसे कोई सी थर्ड पॉइंट है जो इसे काट रहा है m:n में, किस रेशियो में काट रहा है इसे m:n के रेशियो में, तो x का कोऑर्डिनेट निकालना है x = हो जाएगा nx2 + nx1 / m + n और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 + ny1 / m + n। तो ये रहा सेक्शन फॉर्मूला जिसके माध्यम से हम बीच वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। आगे का टॉपिक कल देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।